नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। दरभंगा से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, दरभंगा जिले के राजकुमारगंज स्थित वी मार्ट शॉपिंग मॉल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही साथ मॉल के ऑनर तथा प्रबंधक पर FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। जी हां, आज जैसे ही दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को यह सूचना मिली कि लगातार फैल रही महामारी के बावजूद दरभंगा स्थित वी मार्ट मॉल लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उन्होंने FIR दर्ज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। जैसा कि आपको पिछले दिनों पता ही होगा कि पिछले दिनों कई बड़े मॉल के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन की ओर से सख्त आदेश के निर्देश भी दिए गए थे कि कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह खुलने पर अभी पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सार्वजनिक संस्थान वाले इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वी मार्ट मॉल के संबंध में DM के द्वारा बताया गया कि प्रतिबंध के बावजूद मॉल खुला पाया गया था, ग्राहक भी सामान की खरीदारी कर रहे थे और मॉल के सभी स्टाफ भी कार्यरत थे, साथ ही साथ बिलिंग काउंटर भी कार्य कर रहा था। इसी सब को देखते हुए दरभंगा DM ने संज्ञान लेते हुए मॉल को सील करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ मॉल मालिकों पर FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। कल जो है कि खुला रखे और सब स्टाफ को बिक्री कर रहे थे, इसी बीच सूचना पर जो है कि इस पर कार्रवाई की गई और नगर निगम के माध्यम से इसको, प्रशासन के माध्यम से इसको सील किया गया है और इनके मॉल के मैनेजर और मालिक पर तैयार हुई है, गिरफ्तारी की जाएगी और अब तो माननीय न्यायालय में चला गया है मैटर। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक के बाद ही मॉल